हमारे सांसद जी डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी और हमारे सिक्कलवार जी जो फतेहपुर सीकर चुनाव लड़े बहुत मजबूती से, इनको नमन है। और डॉक्टर साहब हमारे सांसद जी थोड़ा लेट हो गए, पूरा ये हॉल भरा हुआ था सभी, क्योंकि यहाँ व्यवस्था ऐसी है आदमी आते रहे जाते रहे, क्योंकि चुनावी पंचायत में भी ऐसी रहे तो थोड़ी सी आज भीड़ कम हो गई, नहीं तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी जब हुआ था प्रोग्राम शुरू। देखो खा पंचायतों का तो बहुत बड़ा रोल पश्चिमी उत्तर प्रदेश हरियाणा में है, अगर इस बात को हम जितने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खाप हैं इनको ठीक से समझा पाए तो एक दो महीने में इसका जो है काम करवा देंगे, क्योंकि जो खाप चलती हैं फिर तो उनके पूरे गांव से सहयोग होता है, पूरा खाना पीना पूरी व्यवस्था हो जाती है। क्योंकि जो किसान आंदोलन है उसको जो सिखों की जत्थेबंदी थी और खाप पंचायतें थी उन्होंने ही चलाया था पूरी तरीके से, और वो बहुत मजबूती से हम लड़े और जिस मांग को मनवाने के लिए 13 महीने डटे रहे, जिसको बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री तो भाई बहुत ही बड़े हैं अंतर्राष्ट्रीय हैं फलाना ढिगड़ा, किसी के आगे झुकते नहीं, वो किसानों के आगे झुके और वे कानून वापस लिए। और इसी तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश का देखो सबने मेरे से पूर्व वक्त बड़े विद्वान थे बहुत अच्छी अच्छी बात बताई। जो हमारी समस्या सबसे बड़ी समस्या हमारी बेटियों के साथ में है, हमारे ग्रामीण अंचल की बच्ची यूपी पुलिस में भर्ती हो जाती है या कहीं प्राइमरी स्कूल में टीचर लग जाती है, उसकी पोस्टिंग हो जाती है गाजीपुर में, उसकी पोस्टिंग हो जाती है सीतापुर में, उसकी नेपाल के बॉर्डर पर, ना तो उस बेचारी के कल्चर समझ में आता वहाँ का, क्योंकि उनकी लैंग्वेज अलग है हमारी लैंग्वेज अलग है। वो भोजपुरी बोलते हैं, अवधी भाषा बोलते हैं, बुंदेलखंडी बोलते हैं, हम शुद्ध हिंदी बोलते हैं, तो उनकी समझ में नहीं आता। दूसरा फिर उनको रहने सहने में दिक्कत, अगर शहर में अपना किराए पर मकान ले तो 50 किलोमीटर दूर स्कूल है उसका, अब वो बेचारी कैसे अप डाउन करे, उसके साथ में बदतमीजी होती है। और जब वो शिकायत अपने जनप्रतिनिधि से करती है, जनप्रतिनिधि इतना मजबूर रहता वो कहता जी मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, और वो बेचारियों का उनका बहुत बड़ा शोषण हो रहा। और यहाँ पर पूरब का जो कर्मचारी आकर के मुजफ्फरनगर मेरठ गाजियाबाद बुलंदशहर कहीं भी आके बैठ गया, वो यहाँ से पोस्टिंग करवा के जाना नहीं चाहता। हमारे शहरों की फिजा बदल गई है, आप देखो नोएडा को, नोएडा में आपको आपको लग ही नहीं सकता है हमारा, ऐसा लगता था पूर्वी अंचल का हो, गाजियाबाद नहीं लगता। तो जब पूरब के आदमी उन्होंने तो पश्चिम के शहरों पर कब्जा कर लिया, और हमारे बच्चे वहाँ जा करके पूरब में ग्रामीण अंचल में अपना दुर्गति में जंगलों में रह रहे, पता नहीं किस परिस्थिति में रह रहे, बहुत ही विकट परिस्थिति है। तो ये बहुत ही जरूरी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का निर्माण हो, ताकि हमारे बच्चे अपने क्षेत्र में नौकरी करें, यहीं पर रहें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में योगदान देंगे। तो ये बहुत ही जरूरी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बनना, ऐसे खिलाड़ियों का जितनी भी खेल की अकेडमी बनी है, स्टेडियम बने हैं, वो गाजीपुर में, गोरखपुर में, कासगंज में वहाँ बने हैं, मेरठ में कैलाश प्रकाश स्टेडियम है, पता नहीं कब का है, हमारी याद से पहले ही है, उसके बाद में मेरठ की आबादी बढ़कर 10 गुना हो चुकी है, स्टेडियमों का वही है। तो बच्चे कहाँ से खेलने के लिए, कहाँ से खिलाड़ी आएंगे, हरियाणा में हर गांव में स्टेडियम है, इसलिए वहाँ से ओलंपिक में मेडल आते हैं। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनेगा तो सभी को लाभ होगा और सभी इसमें अपना सहयोग करें। अधिकतर क्या होता है यहाँ पर मंच पर आते आदमी, कोई करा जी 20,000 आदमी लेऊंगा, कोई करा सड़क को रोक दो, कोई करा रेल रोक दो, वे तो भैया बोल के चलते बने, इतनी देर में रोल रुकेगी, अगर हम एसी हॉल में नहीं बैठ सकते तो वहाँ सड़क पर कहाँ बैठ जाए, कहाँ रेल रोक देंगे, घर से एक आदमी लेके नहीं आवा, यहाँ 50,000 आदमी गिनती करवावा है। तो भैया ये जितने आदमी बैठे हैं यही सच्चे योद्धा है, इन्हीं के सहयोग से हो सकता है। और देखो डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी तो योद्धा आदमी है, कॉलेज यूनिवर्सिटी के टाइम से, कॉलेज के टाइम से ही जो है लड़ते हुए आए हैं, और इनसे हम प्रेरणा लेकर के यहाँ लड़ाई के लिए आए हैं। और आशा करते हैं जैसे राजकुमार सांगवान जी सांसद बने हैं 10-12 मुकदमे लगवा करके बने हैं, तो हमें भी 10-12 मुकदमे लगवाने चाहिए, तभी हमारी ये जो सुनवाई है ना पश्चिमी उत्तर प्रदेश तभी हो पूरी हो पाएगी। और सिक्कर वाले जी पे कितने हैं जी? हाँ कई दर्जन इन पे हैं। तो देखो जनप्रतिनिधि बनने के लिए तो मुकदमे लगवाने बहुत जरूरी, सरकार से लड़ना बहुत जरूरी है। और छोटी सी एक बात और पूरी करता हूँ, 2 अक्टूबर 1994 को रामपुर त्राहे पे जो कांड हुआ था उसमें महिलाओं के साथ में पुलिस ने बर्बरता करी थी, कई वहाँ पे लगभग 7 आदमी शहीद हुए थे, और उसके बाद में ही आक्रोश आया था पूरे उत्तराखंड में, और तभी ये आग बढ़ी और 2000 में उत्तराखंड बना। तो हमें कुछ आदमियों को मान लो जो 80+ है, वो आदमी मिनिस्टर चल रहा 1-2 साल ही, उसके डॉक्टर ने बता रखी है 4-5 साल तो मुश्किल से खींचेगा, 1-2 साल में काम हो जाएगा,
अगर वो टैलेंटेड आदमी शांतों से भूख हड़ताल बैठ जाए या पुलिस के सामने हट जाए गोली वोली लगवा ले तो उसकी मूर्ति गांव में बनवा दें और बच्चे प्रेरणा लें और हमारे युवा में जो साहब में बताता गोली पुलिस ने मारी है या डंडा मारा तो जो 80+ है वो तो भाई बिल्कुल जो मरने के लिए तैयार है पश्चिम उत्तर प्रदेश बनवाना है। तो आप सभी ने सुना, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और कर्नल साहब का विशेष योगदान, मैं भी आर्मी में रहा हूँ लेकिन मैं कर्नल रैंक से ऊपर के आदमी और कर्नल रैंक के कभी लफड़ों में पड़ते ना, अपना दो पैक लगा मैं शाम को अपने जो क्वार्टर में रहा मैं अपनी जो हवेली पवेली जो भी है, लेकिन कर्नल साहब समाज के अंदर रहते हैं और पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और सतपाल यादव जी का सभी ने सुना, बहुत बहुत आभार।